सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो मैं हूं भाविक जोशी, मैं हूं प्रियानी जोशी। वेलकम टू बीजे फूड चैनल। सो गाइस, आज की चैलेंज का टाइटल देखकर आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, बट आपको बताओ आज की जो चैलेंज है वो लिटरली में काफी यूनिक है। यूनिक तो छोड़ो, हमारे लिए तो काफी ज्यादा नहीं है। हाँ। क्योंकि इसका नाम है लज़ानिया, और ये जो लज़ानिया है, सो अगर आप इस लज़ानिया को इंडियन वर्जन में बोलने जाओ तो ये लहसुन या बटाखा हो जाता है। और ये जो मेन लज़ानिया भाई, इतने डिफरेंट नाम लोग कैसे रखते हैं, ये जो लज़ानिया है वो है इटालियन डिश। और वैसे आज वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है, कुछ भी। सो गाइस, मम्मी ने टोटली न्यू आइटम बनाई है, एकदम न्यू रेसिपी है, देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो हमने ये रेसिपी देख ही ली है मम्मी ने कैसे बनाया है। भाई क्या ही चीज ऐड किया है मम्मी ने। ओ भाई, तो नहीं देखा होगा शूट, आज का शूट मैंने लिया है। वैसे अगर सच्ची में बताऊं तो लज़ानिया हमारे सामने यही पर है। ये देखो, ये रहा, आपको नहीं दिखेगा बट ये रहा। हाँ। बट इसके ऊपर जो चीज मुझे दिख रहा है ना, पूरा मेल्ट हुआ, वो काफी बढ़िया है यार। हाँ। लिटरली में काफी बढ़िया। सो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारी चैलेंज की तरफ और देखते हैं ये लज़ानिया हमारी न्यू आइटम कैसी लगती है हमें। हाँ। ओके, सो रेडी रेडी, सो अब मिलते हैं हमारे, नहीं सॉरी, सो लेट्स गो। सो गाइज, ये देखो हम लोग लज़ानिया लेकर आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमने लज़ानिया के साथ सपोर्ट में लिया है ये सोसियो, और मैंने लिया है स्प्राइट, क्योंकि भाई कुछ भी क्या बोलते ढूंढ के लाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो, इसलिए मैं अपनी देसी स्प्राइट पीती हूँ। स्प्राइट। और ये देखो गाइज, लज़ानिया का जो चीज है ऊपर से, जो चीज मम्मी ने मेल्ट किया है वो देखो, और साइड में से देखो भाई कितनी सारी वेजी एड की, और इसके अंदर येलो बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, टोमेटो, फिर ब्रोकली, बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, मशरूम, फिर ये ऊपर क्या है, ऑलिव्स, बहुत कुछ ऐड हुआ है, और पास्ता भूल गए, पास्ता भी ऐड किया। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता है, मैं जब आया तब सब कुछ सब्जी कट करके रखी थी। सो चलो अब, अरे हाँ नहीं, ये देखो ब्रोकली, धुआं निकल रहा है अंदर से, बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म है लिटरली में। सो चलो अभी हम इसकी चैलेंज स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इसको देखकर हमें भूख लग रही है, तड़प बढ़ती जा रही है। सो चलो अभी हम इसकी चैलेंज स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। और ये देखो सबसे पहले मशरूम, वाह बहुत ही यम्मी। और ये देखो पास्ता का भंडार, इसके अंदर भी चीज देखो भाई, ऊपर पूरा कितना मेल्ट हो चुका है। टेस्टी है।
व्हाइट रखते हैं एकदम पूरा मुंह एकदम सॉसेज वाला और चीज वाला हो जाता है। ये तो भाई मैंने बाउल में से यहाँ पर रख दिया क्योंकि काफी गर्म है, अंदर अंदर से खा रहे हो भाई तो मुझे पता चल रहा है काफी गर्म है। और गाइस पहले आप कमेंट करो आपको सोसियो ज्यादा अच्छी लगती है या फिर स्प्राइट। कम से कम मैं 2 से 3 साल बाद खा रहा हूँ, पहले मैं जिम कर रहा था तब मेरे सर ने डाइट में मेरे रखा था। मैंने इतना सारा चीज ऐड किया है, ऊपर से इतनी सारी वेजीज इसमें है, फिर सॉस भी काफी सारा ऐड किया है, और ये भाई ये एक तरीके से नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि ओनली ये फ्राइड करके बना है, इसको फ्राइड भी किया है मतलब तड़का भी लगा है इसको, और दूसरा कि इसको बाद में बेक भी किया है। गाइस आज की चैलेंज में लिटरल में मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया। गाइस अगर आपको लज़ानिया खाना है तो आपको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पर तुरंत ही पॉज करना है, वीडियो में रिवाइंड जाना है, और रिवाइंड जाकर आपको पता है क्या करना है, एग्जिट आपको इंट्रो के बाद स्टार्ट करना है, मम्मी की जो रेसिपी है वो आपको टोटली फॉलो करनी है। वैसे ये बनाया काफी मम्मी ने टेस्टी है, लिटरल में मेरा दिल खुश हो गया। गाइस अगर मैं आपको बताऊँ ये डिश तो मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, फर्स्ट टाइम में अगर इसकी इम्प्रेशन दू तो 100 out of 100 भाई लिटरल में काफी ज्यादा बढ़िया है। वैसे इटालियन डिश में तो भाई सबको ये सब कुछ पसंद आता है, तो मेरे ख्याल से 100 out of 100 तो नहीं दे सकते। क्यों? 100 out of 101 दे सकते हैं। तो चलो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट प्रियू की पनिशमेंट की तरफ। ये तूने जो 101 बोला है ना, ये 1% अभी तुझे उसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। तो चलो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट पनिशमेंट की तरफ। सो गाइस मैं और प्रियू आ चुके हैं पनिशमेंट के लिए। सो ये जो पनिशमेंट है वो काफी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इस पनिशमेंट में मैं प्रियू को आज हमने जो खाया है वही खिलाने वाला हूँ। मतलब समझ गया? मतलब तू समझ गई। वैसे भी तू मेरा छोटा भाई है। सो गाइस आज हमने चैलेंज में क्या क्या खाया था, मशरूम, ब्रोकली, पोटैटो, फिर ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर, पास्ता, फिर क्या था दूसरा, टोमेटो, अनियन, इतना सब कुछ तो था, ऊपर से चीज भी, सॉसेस जो बाकी बाद में ऐड हुए वो। बट मैं ये जो सेकंड नंबर की जो चीज बोली मैंने ब्रोकली, वो प्रियु को आज खानी है। yes. और वो भी कच्ची खानी है, नॉर्मल नहीं भाई, बॉइल की हुई या फिर कोई मसाले वाली नहीं, इसको रॉ एकदम कच्ची ब्रोकली खानी है।
वैसे मैं लेके ही बैठी थी यार। और ये जो ब्रोकली है उसको हम लोग जंगली फ्लावर भी कहते हैं। यस हाँ। ये ले भाई, लग ही कैसा रहा है ना। हाँ कोई ना, चलो भाई पेड़, वो पेड़ लगा हुआ ऐसा लग रहा है ना। हाँ। चल, और तुझे सपोर्ट के लिए पानी चाहिए तो तू पी सकती है। ये क्या, इसकी डंडी निकाल दी। हाँ, तो डंडी से डंडी के साथ थोड़ी खाते, डंडी खाते उसमें क्या है, स्मेल स्टिक कोई भी नहीं है। नहीं आ रही है वो धाना धाना कोरिएंडर जैसी स्मेल है, हल्की हल्की कोरिएंडर जैसी स्मेल। टेस्ट तो हो गई नहीं ना। वैसे गाइस ऐसे पनिशमेंट भुगतने का जिगरा तो बस प्रियो के अंदर ही है भाई। मैं तो ऐसी पनिशमेंट ना भुगतो, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। कैसी लगी? बहुत ही घटिया ब्रोकली, बहुत ही घटिया। वैसे टेस्ट उसे कुछ था ही नहीं। नहीं था टेस्ट, कैसी लग रही? थोड़ा सा कैबेज टाइप लग रहा, थोड़ा सा कैबेज टाइप लग रहा। ऐसा कोई नहीं गाइस, चलो रिव्यू को तो ब्रोकली का टेस्ट लगा कैबेज जैसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करना है, हमारी विजय फूड चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और हमारी सेकंड भी चैनल विजय द ब्लॉगर उसको भी आपने सब्सक्राइब कर देना। सो चलो गाइस, अभी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।